मेहंदी मांगा दे काटा कील से जाके साई कील पे, पिया मेहंदी मांगा दे काटा कील से जाके साई कील पे। पहले तो रिंकू भौजी आप अपना फेस कवर कर लीजिए। क्यों ने भैया क्या कहे थे याद है आपको? क्या दो पुरुष से ज्यादा कहीं भी दिखाई दें तो अपना फेस कवर करके रखिए, शकल मत दिखाइए। अरे तो इमरान हाशमी है, इनसे क्या शर्म। इनका जब गाना सुनते हैं ना तो तुम्हारे भैया उस दिन जल्दी घर आ जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हम अपना परिचय करवा देते हैं। हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, और जो कभी कैच नहीं छोड़ते इनको अजरुद्दीन कहते हैं, और जो किसी को नहीं छोड़ते इमरान हाशमी कहते हैं। लोग इन दोनों को देख के हो कहते हैं। पैसे हम बता दें आपको लारा दत्ता जी, जैसे आप मिस यूनिवर्सल रह चुकी हैं ना, वैसे ही ये भी हमारे मोहल्ले की मिस यूनिवर्सल होते होते रह गई। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी हमें पता है। एक तो इनके साइज का गाउन नहीं बन रहा, दूसरा क्राउन नहीं बन रहा। ए लारा दत्ता जी, मैडम जी तेरा सिखा दो मोटी को थोड़ा। आप थोड़ा सा हमको सिखाए दे। हाँ, ऐसे जीतते हैं। हाँ, जैसे ऐसे बड़ा क्राउन ऐसे आता है और कोई कहता है कि देखिए जीतने वाले हैं जी। तो लंबी बहुत है। मैं तो लंबी हूँ जी। हाँ, हाँ। आपने हील्स पहन रखे? नहीं अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी देखो इसे थोड़ा सा नीचे कर। कपिल शर्मा, हमको अपनी शालीनता का पता है, हमको बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या कर रही तू बदतमीज? लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनती हैं तब तो तुम नहीं कहते हो। तो लड़कियों के डेढ़ फीट बाल नहीं होते तेरे जरा। बदतमीज कहेगी। अच्छा मैं अनाउंस करता हूँ, एंड द मिस यूनिवर्स अवार्ड्स गो टू लारा दत्ता। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो भैया हैं इनकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी आवाज बहुत अच्छी है, ये गाना बहुत अच्छा गाती हैं। गाना अरे इनका गाना सुनकर ही तो भैया ऐसे पैर धो के इनके पीछे पड़ गए। हाथ धो के होता पैर धो कौन पड़ता है? हमारे भैया वो कुछ भी धोए आपको क्या। एक बार गाना सुना दीजिए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। गाना सुना देते हैं आपको। ए चम्मच निकाल अपना। ए मोटी इधर आ जा। आ रहा है बस। अभी सुनिएगा। ए सही वाली साइड दिखाओ कैमरा पे, क्या करके बैठ गई? अरे तो कैसे बजाएंगे? इसकी सही वाली साइड कोई भी नहीं है। चम्मच पकड़ लेती। हाँ तो पकड़े हैं, अब खा भी लें क्या? अरे आप ऐसे लड़की रही हैं, एक दूसरे का खून क्यों नहीं कर देती? लेकिन रिंकू भौजी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा इनके फिल्म में गाना है, जोरदार गाना है एकदम। कौन सा? अरे कमाल का गाना है, वो अगर बज जाए तो देखिए कैसे हंगामा हो जाएगा। डीजे वाले बाबू इसका गाना बजा दे। अरे इनकी फिल्म का है, हाँ इनके फिल्म का एक जोरदार गाना है, बजा दे। ये इस पे नहीं बजाने दे उसको, मरने दे। अरे बजाएंगे तो ना, हम इंतजार कर रहे हैं।
रोशनी, ये डांस कर करके पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जिस काम के लिए आए थे वो पूरा कर ले। अरे हाँ, हम थोड़ी देर में आते। अजहर साहब आप यहीं रहिएगा, आपसे बात करना है, आपसे भी करना है। अजहर की लाइफ पे फिल्म बन रही है, उनसे इंस्पायर्ड फिल्म बन रही है, तो लोगों को ऑलरेडी उनका पता है, उनके मैनरिज्म पता है, उनकी चाल ढाल कैसी उनको पता है। आपके लिए वाकई में कितना मुश्किल रहा होगा मैं ये फील नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक ऐसा हीरो जिसको हमेशा लड़कियों के पीछे भागने की आदत है, बॉल के पीछे भाग रहा है, तो इमरान भाई कितना मुश्किल था आपके लिए? इसमें अजहर भाई जिस तरह फील्ड पे चल के आते थे, उनका एक स्वैगर था, उनका एक करिश्मा था, स्टाइल था, एक लेजी चार्म था फील्ड पे, और उनके जो क्रिकेट के शॉट्स थे वो बहुत बहुत मुश्किल थे उसको ढालना कैरेक्टर में, क्योंकि मैं खुद को एक बहुत ही एक बिलो एवरेज गली क्रिकेटर मानता हूँ। हम भी मानते हैं, तभी तो आप फिल्मों में। इनकी जो लेग ग्लांस शॉट है आप तो जानते ही हैं, लेग ग्लांस और फ्लिक शॉट, ये आखिर में मुझे कहीं वो मास्टर किया मैंने, जब हमने लंदन में शूटिंग की थी एच बेस्टन और दाबेश्वर में, तो बहुत मुश्किल। अगर इनकी कलाइयाँ रबर जैसी हैं तो मेरी सीमेंट जैसी थी। मतलब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और उसमें वो मेहनत रंग भी ला रही है, आपका फिल्म का ट्रेलर जो है बहुत ही बाकमाल लग रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा हुआ अजहर जी आप नहीं बैठे हैं, हम आपसे वो क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं, तो जरा सिखा दो, आ जाओ। कहाँ है बल्ला, किधर है? ऐसे बल्ला तो अब बॉटल से सिखाए। ए प्रोडक्शन। चलो पकड़ो बल्ला, पकड़े बल्ला, ये कहां ये तो हटाइए पहले, कहीं शर्मा रहे क्यों ऐसा? ये हेलमेट पहना है, हेलमेट है, बॉल आएगा थोपड़ा निकल जाएगा हेलमेट के, थोड़ा सा उठा दीजिए। हाँ ये सब दूसरे लोग आपको हम ब्यूटीफुल लगे इसलिए देखना चाहते हैं। हाँ सही बात है, हाँ ये बात है, तो अभी पकड़िए आप उसको बल्ले को बराबर, चलो थोड़ा सा पैर तो मुड़ना पड़ेगा ना, अरे स्टिप ठहर गया तो कैसे हो। क्या चल रहा है? हम जाके भैया को बताएं यहाँ पर काम, मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ आप ऐसे रंगीन हुए जा रही हैं। हम देखे क्या देखे? इन आंखों से देखे क्या देखे? अरे नहीं पागल, हम इनसे क्रिकेट सीख रहे थे ताकि तुम्हारे भैया को सिखा सके। अरे तो ठीक है, आप इनसे सीख लीजिए, हम इमरान हाशमी से सीख लेते हैं। रेडी? हाँ हाँ, देखिए आप उसके लिए मेरी फिल्म देख लीजिए। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं, आपसे हाथ मिला लेते हैं, हाथ मिला लीजिए, हमसे बस हाथ मिलाने आए आपका। स्टॉप इट, स्टॉप। ये लोग दोनों मेरा मोहन लेटरिंग सेंटर इकलौते मालिक, ये लोग दोनों उधर आता है और दो रुपया बचाने के लिए हाथ नहीं धोता है। हाथ नहीं मिलाने का। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कपिल साहब सामान रखा है, सामान ऐसा कैसे कह रहे हो? हम हाथ नहीं धोते, घर से धो के आते हैं हम। अरे कोई बात नहीं, मोहन लेटरिंग सेंटर, चल चल मोहन लेटरिंग सेंटर। थैंक यू सर, थैंक यू, हम चलते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.